Hey guys, welcome to some advanced English classes, all English learners. We often listen these type sentence in our life. वे एक जाना माना डॉक्टर है, वे एक जाना माना खिलाड़ी नहीं है, वे एक जाना माना वैज्ञानिक था. सो फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस हमारी डेली लाइफ में बोले जाते हैं, और इसके लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं. और इसके लिए यूज़ किया जाता है विल नॉन. और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं. वे एक जाना माना डॉक्टर है, ही इज़ अ विल नॉन डॉक्टर. वे एक जाना माना खिलाड़ी नहीं है, He is not a well-known player. वे एक जाना माना वैज्ञानिक था, He was a well-known scientist. I have friend you would have understood well. Let's learn next one sentence. जितना मैं कहता हूँ उतना सुनो, जितना मैं कहता हूँ उतना करो, जितना मैं कहता हूँ उतना बताओ. So friend, these type sentence are spoken in our daily life, and which type structure is used for speaking these type sentence, we are going to know in this video. First of all, we will have to speak verb first form. Plus as much as plus subject plus verb first form. जितना मैं कहता हूँ उतना सुनो, listen as much as I say. जितना मैं कहता हूँ उतना करो, do as much as I say. जितना मैं कहता हूँ उतना बताओ, tell as much as I say. और फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस बोलते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है. सबसे पहले हमें अपनी लास्ट वाली वर्ब को बोलना है, उसके बाद एज मच एज का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और उसके बाद हमें फर्स्ट वाली वर्ब का प्रयोग करना है. आई हैव फ्रेंड यू वुड हैव अंडरस्टूड वेल. इफ यू वांट टू लर्न दिस टाइप सेंटेंस, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल.